अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी क्लास है प्रोडक्ट हंटिंग पे। सबसे पहले जो अमेज़ॉन एफबीए होलसेल हो या कोई भी बिजनेस मॉडल हो, हमने सबसे पहले हंट करना होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हंट करने का मतलब यह है कि हमने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जिसे हम बेचेंगे अमेज़ॉन पर, जिस पे हम अपना बिजनेस करेंगे। उनके लिए हम डिफरेंट टूल्स भी इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, फ्री की एक्सटेंशंस भी इस्तेमाल करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फ्री की एक्सटेंशंस लगाई थी, उनकी हेल्प लेंगे। आज हम मैनुअली हंटिंग करेंगे प्रोडक्ट की। नेक्स्ट हमने टूल्स भी यूज़ करेंगे। फिर आज हम स्टार्ट करते हैं मैनुअल हंटिंग से। और सबसे पहले हमें प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया पता होना ज़रूरी है कि जो हमारा प्रोडक्ट हो उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। सबसे पहली बात, अमेज़ॉन शुड बी आउट ऑफ स्टॉक। जो प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करें उसे अमेज़ॉन ना बेच रहा हो। उसके अलावा ब्रांड शुड नॉट बी सेल ऑन अमेज़ॉन। जो प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करें वो जिस ब्रांड का है वो ब्रांड खुद ना बेच रहा हो। उसके अलावा प्राइस शुड बी 15 to $40। प्राइस इससे ऊपर हो सकती है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कर सकते हैं ऊपर नीचे, इससे कोई इशू नहीं है। ये क्राइटेरिया है, आपको बस माइंड में रखना है अपना क्राइटेरिया। 15 से कम अगर आप कोई प्रोडक्ट लगाएंगे तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन्स कम होगा। थोड़ा प्रोडक्ट अगर महंगा होगा तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन्स ज़्यादा होते हैं। बी एस आर होता है बेस्ट सेलर रैंक। लेस देन 50,000 होना चाहिए। ये हम देखेंगे बी एस आर कहाँ पर होता है, कहाँ पे हमें अमेज़ॉन बता रहा होता है कि इस प्रोडक्ट का क्या बी एस आर है। उसके अलावा करंट एफ बी ए सेलर, जो प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट किया है उस पे ऑलरेडी एफ बी ए सेलर्स कितने हैं, वो 3 से 15 होने चाहिए। इस 15 से ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर वो हम कह देते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सेलर हैं। 3 से कम होंगे तो हो सकता है वहाँ पे प्राइवेट लेबल चल रही हो, इसलिए हम नहीं जाते। 3 हो और 15 के बीच में हो। रेटिंग शुड बी मोर देन 3.5 out of 5। 3.5 हो, हम कोशिश करते हैं कि 4 से ऊपर ही हो जो भी हम प्रोडक्ट बेचें उसकी रेटिंग। ये रेटिंग भी हम देखेंगे कहाँ से देख सकते हैं हम प्रोडक्ट की रेटिंग। बाय बॉक्स शुड बी एफ बी ए। बाय बॉक्स एफ बी ए वाले के पास होना चाहिए। बाय बॉक्स कहाँ पे होता है वो भी हम देखेंगे। बाय बॉक्स एफ बी ए वाले के पास अगर ना भी हो, अगर ड्रॉप शिपर के पास भी है और ड्रॉप शिपर अगर बहुत ज़्यादा सीनियर नहीं है, उसके पास बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं है, तो भी वो प्रोडक्ट ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम जा सकते हैं उसके साथ। प्रोडक्ट के रिव्यूज़ 1000+ होने चाहिए। ये लाजमी आपने चेक करना है कि अगर 1000 से कम है रिव्यूज़ इसका मतलब है कोई अभी नया ही प्रोडक्ट है, कुछ ज़्यादा एज नहीं हुई इस प्रोडक्ट की। अवॉइड वेरिएशंस, वेरिएशंस को अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हों अगर एक ही प्रोडक्ट पे, उस प्रोडक्ट को आपने अवॉइड करना है। एक दो वेरिएशंस हैं तो कोई इशू नहीं है। फ्रजाइल प्रोडक्ट से भी अवॉइड करना है, डिजिटल प्रोडक्ट से भी अवॉइड करना है। फ्रजाइल वही प्रोडक्ट होती हैं जो टूट जाती हैं, शीशे की प्रोडक्ट, ग्लास प्रोडक्ट जो भी होती हैं, इसलिए हम अवॉइड करते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स में रिटर्न्स ज़्यादा होते हैं इसलिए अवॉइड करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में भी कुछ रिटर्न्स का इशू ज़्यादा होता है इसलिए अवॉइड करते हैं। जो प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट किया है उसका वेट लेस देन 5 LBS होना चाहिए। 5 LBS अगर केजीज में हो तो तकरीबन कुछ 2.5 kg बनता है शायद। वो था हमारा क्राइटेरिया। अब एक दो टूल हैं, ये भी फ्री वाले टूल्स हैं जिनसे हम सेल चेक करते हैं कि ये जो हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है इसकी सेल कितनी है। सेल चेक करने के लिए हम BSR जो प्रोडक्ट का होता है, जो हमने अभी पढ़ा, BSR 50,000 के अंदर होना चाहिए। वो जितना भी BSR होगा वो चाहिए हमें। और ये इन दोनों में से किसी एक टूल पे जाके हम चेक कर सकते हैं। ये दोनों फ्री टूल हैं, गूगल पे जाएंगे आप, इसे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, इसे भी हम देखेंगे। हम अभी स्टार्ट करते हैं मैनुअल हंटिंग। मैनुअल हंटिंग किस तरह करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। अमेज़ॉन पे चलते हैं।
सबसे पहले आपने amazon.com लिखा। चलो इधर से शुरू करते हैं। amazon.com पे आए, यहाँ पे सबसे पहले आके चेंज करना, यहाँ लिखा हुआ डिलीवर टू न्यूयॉर्क, क्योंकि मैंने ऑलरेडी चेंज किया हुआ है। जब आप लोग इसे ओपन करेंगे तो आपकी कंट्री का नाम आ रहा होगा, यहाँ पे डिलीवर टू पाकिस्तान, डिलीवर टू श्रीलंका, या इस तरह। अगर आप दुबई में बैठे हुए हैं तो डिलीवर टू दुबई, इस तरह आ रहा होता है। आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स होगा, जब आपने इसे नहीं लगाया होगा तो आप उस बॉक्स को क्लिक करके वहाँ पे कोई भी पोस्टल कोड लिख देंगे। ये न्यूयॉर्क का पोस्टल कोड है 10001। आप ये अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करके डन कर देंगे तो आपका यहाँ पे न्यूयॉर्क आ जाएगा, जिस तरह से मेरे यहाँ पे आ रहा है। अब आपने किसी भी कैटेगरी में जाना है, होलसेल में कोई स्पेसिफिक कैटेगरीज नहीं होती, आपने किसी भी कैटेगरी में चले जाना है। फर्स्ट करें हम चलते हैं बेबी प्रोडक्ट्स में, आपने किसी भी कैटेगरी में चले जाना। अब हम मैनुअली हंटिंग कर रहे हैं, हमने कुछ ब्रांड्स के नाम हमें बता दिए हैं, अगर हम किसी ब्रांड में इंटरेस्टेड हैं तो हम यहीं से सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज़ हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इनमें से हम कौन से वाले प्रोडक्ट्स बेचना चाह रहे हैं हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। डायपर्स बेचना चाह रहे हैं हम, स्किन केयर बेचना चाह रहे हैं, फर्ज करते हैं हम इस पर क्लिक कर देते हैं। चलो इस तरह आपने मैनुअली चेक करते रहना है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को। ये एक प्रोडक्ट्स अब हमारे पास ओपन हो गया है। हमारे क्राइटेरिया में था कि उस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन ना बेच रहा हो, अमेज़ॉन शुड बी आउट ऑफ स्टॉक। यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है कि सोल्ड बाय amazon.com, शिप फ्रॉम amazon.com। ये जो सोल्ड बाय amazon.com है ये नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है कि अगर ये नहीं है तो इसका मतलब है अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक है, अमेज़ॉन इस प्रोडक्ट को नहीं बेच रहा। अगर यहाँ पे आ जाता है सोल्ड बाय amazon.com तो इसका मतलब है अमेज़ॉन उसे बेच रहा है, उस प्रोडक्ट को हम सिलेक्ट नहीं करते। ये प्रोडक्ट यहीं से रिजेक्ट हो गई है क्योंकि इसे अमेज़ॉन ऑलरेडी बेच रहा है। हम किसी और प्रोडक्ट को देखेंगे, इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। इस प्रोडक्ट को भी आप नहीं बेच सकते। आप इस तरफ जो साइड बार आ रहा है यहाँ से कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, बेबी केयर, कुछ भी, कोई भी कैटेगरी, कोई भी प्रोडक्ट की टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बेबीज़ के टॉयज़ हैं, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बेबी केयर का प्रोडक्ट मैंने ओपन किया। अब यहाँ पे हमें कुछ फ्री जो एक्सटेंशंस हैं वो हमारी हेल्प कर रही हैं, जो हमने फ्री एक्सटेंशंस लगाई थी वो हमें यहीं पे बता रही हैं, हमें ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये एक्सटेंशन यहाँ पे एक बता रही है मुझे कि 1 FBA सेलर, कि इस प्रोडक्ट पे सिर्फ एक ही FBA सेलर है, जबकि हमने क्राइटेरिया में पढ़ा था कि एटलीस्ट 3 FBA सेलर्स होने लाजमी है। तो इसका मतलब है हम इस प्रोडक्ट को नहीं सेलेक्ट कर रहे, और ये ही हमारी एक यहाँ पे एक्सटेंशन हमें ये बता रही है कि इसका BSR 39,137 है। BSR हमारे क्राइटेरिया के अंदर है लेकिन ये चीज़ हमारे क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रही, तो ये रिजेक्टेड है। ये वाला प्रोडक्ट है, यहाँ पे हमें हमारी एक एक्सटेंशन बता रही है कि सोल्ड बाय अमेज़ॉन, इसे अमेज़ॉन बेच रहा है, तो हम उस तरह के प्रोडक्ट को नहीं बेचेंगे जिसे अमेज़ॉन बेच रहा हो, ये भी रिजेक्ट हो गया। इस तरह हमारी यहाँ पे एक्सटेंशन बता रही है कि एक FBA सेलर है तो ये भी रिजेक्टेड है, एक FBA सेलर है ये भी रिजेक्टेड है। ये फ्री वाली एक्सटेंशंस हैं जो हमारी हेल्प कर रही हैं, हमें इसे बार बार खोल खोल के नहीं देखना पड़ेगा। अगर हम ये एक्सटेंशंस नहीं लगाएंगे तो हमें ओपन करेंगे प्रोडक्ट को, फिर अंदर जाकर देखेंगे कि कौन 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 इसे बेच रहा है। यहाँ ये एक्सटेंशंस हमें हेल्प कर रही हैं यहीं से कि इसमें कितने FBA हैं। हम नीचे गए, यहाँ पे भी सारे प्रोडक्ट्स पे सोल्ड बाय अमेज़ॉन है,
हम अमेज़ॉन वाले प्रोडक्ट्स को नहीं बेचेंगे। यहाँ पे वो बता रहा है 2 FBA सेलर हैं, हमें एटलीस्ट 3 चाहिए। ये देखिए यहाँ पे वो बता रहा है 4 FBA सेलर हैं लेकिन सोल्ड बाय अमेज़ॉन है। हमारे क्राइटेरिया में है कि हमने वो प्रोडक्ट बेचना ही नहीं है जो सोल्ड बाय अमेज़ॉन है। कुछ लोग रिस्क ले लेते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स पे, लेकिन यूजली ऐसे प्रोडक्ट्स पे रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि अमेज़ॉन मोस्टली फिर बाय बॉक्स अपने पास ही रखता है। बाय बॉक्स के बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ, बाय बॉक्स क्या है, कहाँ पे होता है। इस तरह आपने सारे प्रोडक्ट्स को ओपन करते रहना है, यहाँ से देखते जाना है। नीचे आ रहा है अभी और भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने मर्जी प्रोडक्ट्स देखते जाएं। ये देखें 1, 2, 3, 4, जितना नीचे जाएंगे उतना अच्छा आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा जो आपके क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा होगा। क्योंकि शुरू शुरू के जो प्रोडक्ट होते हैं वो यूजली अमेज़ॉन उन पर बैठा होता है। चलो अब हमने एक दो प्रोडक्ट आपको मैं दिखा देता हूँ। वैसे आपने इसी तरह मैनुअल हंटिंग होती है, टाइम देना पड़ता है हंटिंग, बहुत ज़रूरी एक स्किल है अमेज़ॉन के बिज़नेस में, बहुत एक्सपेंसिव स्किल है ये, आपको इस पर बहुत टाइम देना पड़ता है। आप इसी तरह प्रोडक्ट्स को देखते रहेंगे, आपको अपने क्राइटेरिया के प्रोडक्ट्स मिलते जाएंगे। अब हमने एक रैंडमली एक प्रोडक्ट खोला, ये प्रोडक्ट हमारे पास आ गया। ये एक प्रोडक्ट है ब्यूटी का, ठीक है, एक क्रीम सी है, कोई सन प्रोजेक्टर। अब हम सबसे पहले, हमारा क्राइटेरिया था अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक, अमेज़ॉन इसे नहीं बेच रहा। बाय बॉक्स क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। ये जो ऐड टू कार्ट वाला बटन है, बाय नाउ यहाँ पे लिखा हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है सोल्ड बाय, ये है शिप फ्रॉम, ये है। अब इसका मतलब ये है कि बाय बॉक्स इसके पास है। बाय बॉक्स वो होता है एक ही प्रोडक्ट को, जिस तरह इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू 19, मतलब इसे 19 लोग बेच रहे हैं। अब इस वाली सेल जो आएगी इस प्रोडक्ट पे, जो भी सेल आएगी अभी अगर हम इसे बाय करें बाय नाउ पे, वो सेल आएगी इसके खाते में, ये जो इसी के अकाउंट पे आएगी, रीनेर रिटेल के नाम पे, इसके अकाउंट पे वो सेल आ जाएगी जो अगर हम अभी बाय कर लें, क्योंकि अभी बाय बॉक्स है इसके पास। ये बाय बॉक्स अमेज़ॉन रोटेट करता रहता है, कभी वो ये जो नीचे 19 सेलर हैं टोटल, इनमें ये बाय बॉक्स रोटेट होता रहता है, कभी किसी के पास होगा, कभी जिस तरह अभी इसी के पास है, थोड़ी देर बाद ये किसी और के पास होगा, थोड़ी देर बाद ये किसी और के पास होगा। अब हमने देख लिया इसे अमेज़ॉन नहीं बेच रहा, ब्रांड का नाम है थैंक यू फार्मर, ब्रांड भी नहीं बेच रहा। इसे ओपन करेंगे, बाकी सेलर कौन बैठे हैं। ये भी अमेज़ॉन है, FBA बेच रहा है, ये भी FBA है, ये भी FBA है, यहाँ पे भी FBA है, यहाँ पे भी FBA है, FBA हैं, मतलब FBA 3 से ज़्यादा ही हैं, ठीक है। अब हमने चेक करना है ये फ्रजाइल प्रोडक्ट ना हो, फ्रजाइल भी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं है, उसके अलावा इसका BSR चेक कर लेते हैं। जो प्रोडक्ट का BSR होता है, थोड़ा नीचे आएंगे प्रोडक्ट डिटेल्स में, यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स में जैसे आप आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ट सेलर रैंक, BSR बेस्ट सेलर रैंक, ये है 9845 इन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। कैटेगरी है इसकी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ये इसका BSR है, ये इसका आइसन नंबर है। आइसन नंबर से मुराद होता है अमेज़ॉन सेलर आइडेंटिफिकेशन नंबर, अमेज़ॉन सेलर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है,
अब अगर आपने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया है, आपको ये प्रोडक्ट पसंद आ गया, तो आपने ये आइसन कॉपी करके अपने पास सेव कर लेना अपनी शीट में। जो आप शीट बना रहे होंगे अपने प्रोडक्ट की, उसमें आप सेव कर लेंगे आइसन नंबर को, अमेज़ॉन सेलर आइडेंटिफिकेशन नंबर। कुछ प्रोडक्ट की यूपीसी भी दी होती है, आप यूपीसी भी सेव कर सकते हैं, यूपीसी से भी प्रोडक्ट मिल जाता है। यूपीसी भी हर प्रोडक्ट की डिफरेंट होती है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड इसे कहते हैं, ये भी हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है। यूपीसी जो होता है वो सप्लायर की तरफ से होता है, यूपीसी कोड जो होता है ये सप्लायर की तरफ से होता है, आइसन जो होता है ये अमेज़ॉन हर प्रोडक्ट को अलाट करता है। अब हमने इस प्रोडक्ट को देख लिया, इस पर ब्रांड भी नहीं है, इस पर इसको अमेज़ॉन भी नहीं बेच रहा, ब्रांड भी नहीं बेच रहा, बेस्ट सेलर रैंक भी 50,000 से अंदर ही है क्योंकि 9,800 कुछ है, फ्रजाइल भी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं है, FBA सेलर्स भी हैं इस पर, बाय बॉक्स भी FBA के पास है। ये हमारे पूरे क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है ये प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया, इसलिए हम एक और प्रोडक्ट अब देखते हैं। एक और प्रोडक्ट हमने ओपन किया, इसे देखेंगे, अमेज़ॉन नहीं बेच रहा, इसे अमेज़ॉन भी नहीं बेच रहा, ब्रांड भी नहीं बेच रहा, और इस पर सेलर भी 10 बैठे हुए हैं। यहाँ से ओपन करके चेक करेंगे FBA कितने लोग कर रहे हैं, ये FBM कर रहा है, नीचे ये भी FBA कर रहा है, ये भी FBA कर रहा है। FBA और FBM के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वो आपने वहाँ से देख लेना है अगर किसी ने पिछली क्लास नहीं देखिए। ये भी FBA कर रहा है, ये भी FBA कर रहा है, मतलब FBA वाले भी हैं इस पर, 3 से ज़्यादा FBA वाले भी हैं। ये भी हमारा क्राइटेरिया फुलफ़िल हो गया। उसके अलावा ये फ्रजाइल भी नहीं है, लग नहीं रही फ्रजाइल क्योंकि हार्ड है थोड़ी। उसके अलावा ये इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं है, डिजिटल भी नहीं है। अब इसका BSR चेक करेंगे हम, प्रोडक्ट डिटेल्स में जाएंगे, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे इसका BSR लिखा हुआ है, बेस्ट सेलर रैंक 35,000 है इसका, बेस्ट ब्यूटी एंड पर्सनल केयर इसकी कैटेगरी है, और ये इसका BSR है, ये इसका आइसन नंबर है, अमेज़ॉन सेलर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसका UPC यहाँ पे नहीं है, सो जो आइसन नंबर होता है ये हर प्रोडक्ट का होता है, UPC हर प्रोडक्ट का नहीं होता है, अमेज़ॉन पे कुछ का होता है कुछ का नहीं होता। आपने अपनी लिस्ट में इस आइसन नंबर को उठा के कॉपी करना है और अपनी लिस्ट में सेव कर लेना है, या आप यहाँ से लिंक को भी कॉपी करके रख सकते हैं अपने पास, लिंक को कॉपी करके रखें ज़्यादा अच्छा है, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट पर आ जाते हैं। अब हमने दो प्रोडक्ट देख लिए मैनुअल हंटिंग वाले, इसी तरह मैनुअल हंटिंग करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में हेल्प लेंगे पेड जो टूल्स हैं प्रोडक्ट हंट के, उनके लिए हमें कुछ सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ती है। हम नेक्स्ट क्लास में कीपा देखेंगे और BSR से सेल कैसे चेक करते हैं, वो दो जो वेबसाइट्स हैं जिन्हें हम फ्री वाले वो टूल्स हैं आप चेक कर सकते हैं जाके, वो भी देखेंगे, हमने आखिरी स्लाइड में वो देखा भी था। ये जो दो हैं FBA Toolkit और GS Sales Estimator भी देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, कि BSR से सेल्स कैसे चेक करते हैं कि इस प्रोडक्ट पे पर मंथ सेल कितनी आ रही है। सो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कीपा को यूज़ करते हुए प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।